फ्रेंड्स, खुशी ऑल इन वन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हल्दीराम जैसी राजभोग कचौड़ी। तो उसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या क्या सामान दिया है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स में हमने लिए हैं वो कुछ ये अंगूर हैं, किशमिश है, अनार है, और ये हरा धनिया गार्निश के लिए कट करके रख लिया है। और इधर देखिए, ये आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, 4 आलू। और अब ये ऊपर डालने के लिए जो मसाले रेडी किए हैं वो ये हैं, जीरा भुना हुआ पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको जीरे को भून के पाउडर बना लिया है। इधर ये काली मिर्ची को पाउडर बना लिया है, और ये काला नमक है, और ये चाट मसाला है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ छोले हैं जिनको इस तरह से बॉयल कर लिया है, वो अंदर भरने के लिए मैंने छोले को बॉयल करके रेडी। और देखिए, ये जो हम थोड़ी स्टफिंग तैयार करेंगे अंदर डालने के लिए, तो ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक बड़ा कप है, और इसको मैंने ये चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, ये सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने करारी करने के लिए ये चावल का आटा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छोटा कप है, इसको मैंने मैदा लिया है। अब आप देख रहे होंगे 2 कप के करीब चावल का आटा है, और 1 कप मैंने मैदा लिया है। इस चीज़ का मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारी कचौड़ी जो है एकदम से खस्ता बन पाएंगी, क्योंकि चावल का आटा क्रिस्पी बनाने में काम करता है, और मैदा, यदि हम 2 कप मैदा लेते हैं और 1 कप चावल का आटा या सूजी लेते हैं, तो हमारी कचौड़ी क्या है, वो सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है। तो मतलब हमें करारी करने के लिए सबसे पहले सूजी को ही क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, या फिर चावल का आटा हो तो आप वो भी रख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों का मेजरमेंट आप, और देखिए, ये मैंने हरी चटनी बनाई है ऊपर डालने के लिए। वैसे मैंने हरी चटनी का लिंक अपने चैनल पे हरी चटनी शेयर की हुई है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये मीठी चटनी भी मैंने शेयर की हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैंने देखिए भुजिया ली है, नमकीन सादा सेब है जिन्हें बोलते हैं, ये मार्केट में आराम से सभी जगह मिल जाते हैं। और ये 1 कटोरी मैंने दही ली है, और जिसको थोड़ी पतला ही कर लिया है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है। और ये आटा लगाने के लिए मैंने पानी लिया, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली हुई है, और ये खाना सोडा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा मैदा लगा के रेडी कर लेते हैं आटा, क्योंकि आटे को हमें लगा करके 1/2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आटा लगाने के लिए एक बड़ा बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ये मैदा डाल रहे हैं, और ये चावल का आटा डाल रहे हैं, साथ ही हम इस चावल के आटे में और मैदा में ये 1 टीस्पून करीब ये ऑयल ऐड कर रहे हैं। और ये अब हम पानी का जो हल्दी का जो पानी बना के रेडी किया है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं, और धीरे धीरे करके इसमें ये पानी ऐड करेंगे। और आटे को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, आटा बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट मुलायम बना के रेडी करना है, और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, ताकि हमारा आटा ज़्यादा गीला ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, राजभोग कचौड़ी में जो मेन चीज़ होती है वो होता है हमारा आटा ही। अगर हम आटे को अच्छे से नहीं लगाएंगे, आटा हमारा अच्छा रेडी नहीं होगा, तो हमारी राजभोग कचौड़ी बनाने का कोई वो ही नहीं रहता है। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान राजभोग कचौड़ी बनाने के लिए आटे पर ही देना है। और आटे को जब अच्छी तरह से लगा लें, तो उसके बाद थोड़ा गीला कपड़ा करके 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो देखिए, मैं इस तरह से लगा रही हूँ आटे को, आप देख रहे होंगे, और काफ़ी मुलायम आटा उठाया मैंने। अब मैं सभी आटे को अच्छे से मिला के थोड़ा हाथों की सहायता से इसे इस तरह से गूंथूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे जितना अच्छा बनेगा, उतनी ही अच्छी हमारी कचौड़ी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा लग के रेडी हो गया है, आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए
ढक के रख देती हूँ गीले कपड़े से। तो देखिए मैंने आटे को ढक के रख दिया। तब तक के लिए हम ये इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। ये बेसन लिया है, ये मैंने बेसन ले लिया है। अब हम बेसन में क्या करने वाले हैं, ये 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, ये हमने इसमें ये रिफाइंड ऐड किया है। और अब हम इसमें ये थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा नमक और ये देखिए ये मैं खाना सोडा जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं वो 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा जो खाने के लिए होता है वो यूज किया है। अब हम इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें हम ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए मेरा जो हल्दी वाला पानी बच गया था मैं उसमें से ही यूज कर रही हूँ। और ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, ये बस हल्की सी ऐसे ही रखनी है। इसको हमें कचौड़ियों के अंदर भरना है ना फिलिंग स्टफिंग को, तो इसलिए हम इसे टाइट ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे टाइट रखा है बना के, क्योंकि मुझे इसे कचौड़ी के अंदर डालना है। और जो कहते हैं ना कि हमारी कचौड़ियाँ नहीं फूलती हैं, तो जो मैंने खाने छोड़े का यूज किया है वो इसीलिए किया है ताकि हमारी कचौड़ियाँ फूली फूली और करारी बन के रेडी हों। तो चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, ये अब हम देख रहे हैं। आप 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट आटा बन के रेडी हुआ है। अब हम इसे इस तरह से गोल गोल लोइयां बना के रेडी कर लेते हैं, इस तरह से छोटे छोटे, जैसे नॉर्मल पूड़ी के लिए सभी बनाते हैं, तो मैं भी इसी तरह से तोड़ रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स लोइयां मैंने सभी इस तरह से तोड़ के रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें इस तरह से देखिए गोल बना लेंगे और उसके बाद हम इसे हाथों की सहायता से, जैसे कचौड़ियाँ भरते हैं या पराठे में स्टफिंग भरते हैं, उसी तरह से हम ये स्टफिंग भर के और हम इसे इस तरह से हाथ की सहायता से फोल्ड कर देंगे और इसे ऐसे दबा देंगे इस तरह से हथेली की सहायता से। इसी तरह से हम सारी कचौड़ी की स्टफिंग भर के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सभी लोइयों को इस तरह से स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। और अब हम इधर हमने ये कढ़ाई को भी तेल में गरम कर लिया है। और जैसे हम भटूरे के लिए बहुत तेज गैस पे तेल को गरम करते हैं, इसी तरह से कचौड़ी के लिए पहले हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे तेल को गरम करना है। और थोड़ा सा ऐसे एक लोई लेनी है और इसको इसमें डिप करके और धीरे धीरे इसको पूड़ी की तरह बेलना है इस तरह से। तो देखिए फिर इसी तरह से मैं सभी पूड़ियों को बेल लेती हूँ। बहुत हल्के हाथ से बेलना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी पूड़ियों को इस तरह से बेल लिया है और इधर मेरा ये तेल भी गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इस तरह से इसमें पूड़ी को छोड़ रही हूँ और देखिए जब तक फूल के हमारी पूड़ी नहीं आती जब तक हम इसके ऊपर इसी तरह से अपने ऑयल को डालते रहेंगे। जिस तरह से हम डिप कर करके छोले भटूरे बनाते हैं तो भटूरा को फुलाते, इसी तरह से देखिए कितनी अच्छी फूल के रेडी हुई है। अब देखोगे अब हम इसी तरह से इसे क्रंची कर देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं सभी पूड़ियों को सेक लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सभी पूड़ियों को मैंने इस तरह से सेक लिया है और देखिए आप देख एकदम करारी बन के रेडी हुई है। तो चलिए अब हम
गार्निश कर लेते हैं स्टफिंग भर के, इनमें अच्छी तरह से रेडी कर लेते हैं चाट को। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा क्रंची और ज़्यादा क्रिस्पी करनी है तो उसे डबल स्टेप में इस तरह से डाल के पूड़ियों को दोबारा से रेडी कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे आवाज से ही पता चल रहा है डबल स्टेप में कि कितनी क्रंची हो चुकी है हमारी। देखिए फ्रेंड्स अब मैं ये रेडी कर रही हूँ इस तरह से, और इधर मैंने इसमें ये छोले और आलू दोनों को मिला लिया है, और इसमें हम ये थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर रहे हैं, ये काली मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और ये जीरा पाउडर। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब हम मिलाने के बाद इसमें ये अंदर भरेंगे और अब हम इसमें ये थोड़े से फ्रूट्स और ये भर देते हैं, और देखिए ये थोड़े फ्रूट ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ये चटनी डालेंगे, ये हमने मीठी चटनी डाली है, अब हम इसमें ये हरी चटनी ऐड कर रहे हैं। और ये हम इसमें ये दही ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अब मैंने इसमें ये नमकीन भुजिया भर रही हूँ, बिल्कुल एकदम से हल्दीराम जैसा फीलिंग आ रही है। फिर से हम इसमें ये हरी चटनी और ये दही दही के ऊपर फिर से ये हरी चटनी। अब हम इसमें ये मसाले जो पाउडर बना के रेडी किए थे हमने वो ऐड कर रहे हैं, इधर ये ब्लैक सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर, ये चाट मसाला और ये जीरा पाउडर। फिर से दही और ये ऊपर से अनार और ये फिर से मीठी चटनी और ये गार्निश करने के लिए हरा धनिया। तो देखिए दोस्तों हमारी ये हल्दीराम की गर्मा गर्म राजभोग कचौड़ी रेडी है, और आप इस तरह से ये पूड़ी बना के स्टॉक में भी रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे राजभोग खाने का तो घर में अवेलेबल सामान से भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।